आज के समय में लोग घर में भी सुरक्षित नहीं है। इसका जीता जागता नमूना गोपालपुर की एक घटना से सामने आई है। चाचा और भतीजी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली यह घटना एक वर्ष पूर्व 21 मई 2020 की है। यह घटना दिन के करीब 2 बजे की है। बच्ची शौच के लिए बाहर जा रही थी, इसी दौरान उसके चचेरे चाचा ने उसे अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। गोपालपुर की यह घटना बहुत ही शर्मसार कर देने वाली थी। बच्ची महज 2 वर्ष की थी उसमें की यह घटना है। अभी बच्ची की वर्तमान उम्र 3 वर्ष हो रही है। सप्तम एडीजी महेश प्रसाद सिंह ने आज इसके आरोपी सूरज कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा बहुत ही जल्द और कम समय में ली गई है। मेडिकल सेक्सुअल के तहत जब मेडिकल हुआ तो यह प्रमाणित हुआ जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है। जब वह बच्ची थी तो उसे पूछा गया था तो उसने सूरज कुमार का ही नाम लिया था कि उसने मेरे साथ गलत काम किया है, और 8 गवाही के बाद उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई है। साथ ही साथ सरकार की ओर से पीड़िता के परिवार को 5 लाख रुपये एवं दुष्कर्मी परिवार की ओर से 25,000 रुपये दी गई है। यह जानकारी सप्तम 3 एडीजे महेश प्रसाद सिंह के स्पेशल पीपीए नरेश प्रसाद राम ने दिया। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। लड़की बच्ची थी जिसका उम्र मुश्किल से 3 बरस था, वो शौच करने के लिए बाहर गई थी 2020 में जो गई थी। यहाँ से रुका बताइए, गोपालपुर का ये घटना, ये वो बच्ची जो थी शौच करने के लिए गई थी जिसका उम्र मुश्किल से 3 वर्ष था, उसका जो अपना चचेरा जो था चाचा उसी समय उसको जो है जबरदस्ती जो है बलात्कार किया। ये क्या उम्र रही होगी चाचा की? वो जो एक्यूज का उम्र था 18 वर्ष, 18 वर्ष अपना चचेरा चाचा था जिसका कि उसका उसके बाद बलात्कार किया उसके साथ। उसके बाद यहाँ पर कोर्ट में जो चार्ज फ्रेम हुआ, चार्ज फ्रेम होने के बाद 376 दिन यहाँ गवाही, टोटल जो है 8 गवाही हुआ। 8 गवाही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस इस केस का इसलिए है कि जितना गवाही सूचिका जो उसकी माँ थी मीना देवी, वो मीना देवी भी और जो भी था सारा गवाह प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट नहीं किया, मतलब हम कह सकते हैं होस्टाइल हो गया। लेकिन 161-164 के बयान जो हुआ था, 64 का जो लड़की का भी बयान हुआ था, जो रो रो करके एकदम कही थी घटनास्थल पर कि ये जो हमारे साथ जो है जबरदस्ती बलात्कार किया यही चाचा है उसको, और ये सपोर्ट कर दिया था। सबसे जबरदस्त है मेडिकल एविडेंस, मेडिकल वो रिपोर्ट में वो जो आया था कि हाँ इसके साथ जो है ये सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, इंटरकोर्स हुआ है। उधर से वकील जो है पूछा गया क्या ये ऐसा बात हो सकता है कि कोई नुकीला चीज के गिरने से इस ढंग का जख्म हो सकता है, वो जो डॉक्टर थी वो सीधा बोली कि नहीं, कोई भी जख्म इस ढंग का नहीं, सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही इस ढंग का होता है। कोर्ट जो इस आधार पर जो है 164 के बयान पर और ये जो मेडिकल एविडेंस के आधार पर जो सेक्सुअल हुआ उसी आधार पर जो आज जो है कन्विक्शन हुआ, इसमें लाइफ इंप्रीजमेंट हुआ, इसमें 25,000 रुपया जो है वो जो है एक्यूज को जो है विक्टिम को देगा और 5 लाख रुपया इसमें सरकार को दी गई है। सरकार की ओर से बड़ा जल्द फैसला आया, लेकिन हाँ अगर ये जल्द फैसला अगर या और अति नहीं रहता है, लॉकडाउन नहीं रहता है, इसका फैसला बहुत ही जल्द हो जाता है, माने 2-3 महीना में ही फैसला हो जाता है या 9 महीना भी नहीं लगता, ये एकदम तुरंत हो जाता फैसला। यही आजीवन कारावास का हुआ अपना परिचय। हाँ हम कसम से लाइफ इंप्रीजमेंट तो आप जितना बात कर दे, अब आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जो है नरेश प्रसाद राम हुआ, आज इस 7th एडीजे का जो है स्पेशल पीपी है। कोर्ट में जो है उनका क्या नाम था? महेश प्रसाद सिंह, 7th एडीजे, श्री महेश प्रसाद सिंह 7th एडीजे। थैंक यू।